गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी बज रहे हैं दिन के 4:30 और यहाँ लाइट चली गई है तो मैं भी उठ गई और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको रिया रानी क्या कर रही है। देखिए यहाँ पे रिया रानी की चल रही है पेंटिंग। क्या बन रहा रही हो? गाय काऊ एंड अ बुल। तो अभी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, केवल उसने अभी स्केच किया है और जब कलर कर लेगी उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको। मच्छर हो गया गाइस, यहाँ बहुत मच्छर और यहाँ बार बार लाइट चली जा रही है। आज तो पता नहीं क्या है। और देखो अभी तो थोड़ा सा मौसम यहाँ पे छाँव हो रखी है, लेकिन धूप बहुत तेज हो रखी थी अभी 2 मिनट पहले और अभी अभी हल्की सी छाया हो गई है। तो रिवरानी धूप नहीं लग रही तेरे को? काम तो करना ही है ना। काम तो करनी है, खैर। और कल ना रियो रानी जा रही है, अभी तो उसे 2-3 दिन भी नहीं हुए आए हुए और तब तक उनके प्रैक्टिकल की डेट आ गई। डेट आ गई तो क्या कर सकते हैं? वही तो कल रियो रानी की तैयारी है जाने की। खैर आ गई गाइस। और ये सारा जो बेड के नीचे दिखाई दे रहा है ना आपको कबाड़, ये सब रिया का है। बैग वैग सब कुछ दिखाई दे रहा है तब बता रही हूँ। और ये गाइस पेंटर का बैग, ये मैंने दिखाया नहीं असली किट जो है, इसके बिना पेंटर पेंटर नहीं है। है भाई आर्टिस्ट हूँ मैं, पेंटर भी हूँ मैं। पापा क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे पापा? भैया के साथ में घर के पुताई करना पड़े। पापा बोल रहे थे अरे अब पुताई तू नहीं करनी है। बोला भैया की शादी में इतने पैसे लगा के बोला हमने तेरे को यही सिखाया है। तो यही सीखने जा रही थी ना मैं, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पेंटर लोग तो आर्टिस्ट बोलते हैं लेकिन हम लोग इसके लिए पेंटर बोलते हैं। गाइस क्या करूँ, मेरे माँ बाप ऐसे हैं। वही तो। और गाइस आज बार बार लाइट भाग रही है, आज क्या भाग रही है, ऐसी हो रहा है काफ़ी दिन से। तो अभी मैंने कपड़े भी नहीं धोए और मशीन में डाल रखे हैं, एक राउंड तो चल गया, अभी एक राउंड पता नहीं कब चलेगा। और फिर कपड़े धोने के बाद हम लोग 6 बजे करीब जाएंगे मार्केट, रिया के लिए कुछ लेना है, कल उसको भेजना है। चलिए गाइस तो कपड़ा वपड़े धोके मैं तैयार हो गई और अब जा रहे हैं मार्केट। और रियो रानी भी हो गई तैयार। चप्पल कहाँ है मेरी? चप्पल बाहर है। किधर गए? मंदिर में बज रही है घंटियाँ, जय हो। और मार्केट हो गया सुनसान। तो चलिए गाइस पहुँच गए मासू की दुकान में और ये तुरानी भी पहुंची हुई है और कन्नू की हो रखी है तबीयत खराब, बुखार आ रखा है इसे। चल बुआ के आ रही है, हैं आ रही है, आना तो बोल ले, हैं चल तो अभी आना, फिर जल थोड़ा सा मार्केट से आते हैं सामान उमान लेके, ठीक है फिर आना। हाँ ठीक है, चल देख लो रिया क्या देख रही है। आ रहा कुछ पसंद? रिया ने तो एक चक्कर जरूर आना मामा की दुकान में, जब भी आएगी कुछ भी लेगी पर लेगी। अब पता नहीं क्या ले रही है, जीन्स लेने आ रखी है पर है नहीं जीन्स अभी। चलो गाइस तो रिया के मतलब का आज कुछ नहीं मिल रहा है, चल फिर रिया देर मत कर। चलो 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 फिर ना यार जा लेंदा देर हुई है। और देखिए यहाँ पे मिल गई हमें वर्षा, मेघा की बहन, मेघा की बड़ी दीदी। पहले वर्षा पढ़ाती थी स्कूल में और अब मेघा। रिया तो आ ही रही है, खैर रिया का आज पूरा ब्लॉग बना है। रिया का पूरा ब्लॉग बन रहा है आज का। कल जा रही है ना वो? कल तो भी जा रही है। अचानक से डेट आने पर पहले ये था कि 10 तारीख के बाद होंगे। चलो चलते हैं फिर, है बचा सकती हूँ। चलिए गाइस तो हमने यहाँ से सर्जिकल एक कैफ्री ले लिए, रिया की जीन्स कहीं नहीं मिल रही है। गए हम घर में और सर जी को दिखाते हैं उनकी कैफ्री, देखो जरा आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखो भाई वो तो उसके संग है ग्लूकोज के साथ, लो इसे तो देखो। ठीक है ठीक है, देख तो लो, खोलो कैसी है लंबी चौड़ी कलर वगैरह। ठीक है चलो, धन्यवाद तो बोल दो जरा। धन्यवाद आप। ठीक है, कहाँ से पूड़िया लाया? नहीं उससे पहले पूड़िया ऐसे नहीं लगता। चलने ज्ञान मत दिया कर मेरे।
गाइस ये रियो रानी ला रखी है भोपाल से, एलिफेंट की फैमिली। क्यूट है ना? हाँ, मेरी तरह। हाँ, तेरी तरह बिल्कुल। तू भी तो छोटा आती है। तू भी छोटा आती है जैसे वो। चार होने चाहिए तैयार है, तीन ही तीन ही होते। मम्मी पापा और बच्चा। क्या स्कूटर में? क्या छोटा आती को स्कूटर पे बैठना? छोटा आती को स्कूटी पे बैठना। आ रही ने स्कूटी चलाई मैंने सुना। मारने वाली थी मेरे को। चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ऐसे मत चलाना, कभी छोड़ गया। ठीक है, मिनट आ जा और वहाँ मत चला देना किसी के साथ। मैं पहले बता दूं, तुम इसको का रहना, पिता रहना, पहले सीख ही जाती है जी। फील्ड में सीख लेता चलाई थी ना। देख लिए दिए एक आइसक्रीम रियो रानी को। कौन मिलेगी? तू लस्सी ले। अरे वाह, ले लिया। अब ये किसकी है? ये आपकी है। ये बूटी जी की है? बूटी जी की हो बेटा। अच्छा बेटा, मैंने तुझे दिया, तू मेरी लेके निकल रहा है। थैंक यू। ले भैया देगा। अच्छा खाओ खाओ। कैसे रही बिट्टू? बहुत अच्छी है। नीचे नहीं करते बाबू, ऊपर। बिट्टू को तो कुल्फी चाहिए, बोला मेरे को कौन चाहिए। ठीक है ठीक है, खाओ खाओ, है ना? आराम से खा बाबू। खा ले बिट्टू, पिघल जाएगी। बिट्टू खा ले, खराब हो जाएगी वो। तो गाइस यहाँ पे रिया का पता नहीं क्या बन रही है, कोई नई डिश बन रही है। क्या बन रही है? कोई नई डिश नहीं है हमारे तो। नहीं है मूंगफली आलू? मूंगफली आलू। अच्छा, तो जब बन जाएगी गाइस तब दिखाएंगे कैसे बनाई इसमें। देखो गाइस मैं कितना अच्छा आलू काट रही हूं। दिखाता अगर आपको कुक की जरूरत होगी। अच्छी अच्छी स्लाइस कर रखी है, बिल्कुल पतली है। अगर आपको कुक की जरूरत होगी तो रिया से कॉन्टेक्ट। जरूरत नहीं है, यू ऑनलाइन यूट्यूब में देखो, काटना सिखा देंगे। चलिए गाइस, तो अभी सबने खा लिया खाना और अब रियो और मैं भी खा रहे हैं। और ये देखिए रिया ने बना रखा है आलू और मूंगफली का, इसे क्या बोलते हैं, नाश्ता। अब क्या बोलते हैं इसे भी नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन फलाहार बोलते हैं, भूल गई थी शायद, फलाहार शायद। वो तो अच्छा रहा है, थोड़ा आलू ने काम बिगाड़ दिया क्योंकि वो हल्के मीठे से होने लगे हैं, है ना? इनमें वो आने लग गए ना, अंकुर आने लग गए, लेकिन वो अच्छा रहा। जैसे आप इसे स्टार्टर के तौर पर खा सकते हैं, है ना? घरिया स्टार्टर। और आज मैंने बना रखी है दलिया और लौकी की सब्जी, और ये स्टार्टर ही हुआ हमारा। तो इसको पहले इसको खा लेते हैं, फिर खाते हैं आगे। चलो चलते हैं। तो चलिए गाइस सब खाना खा लेते हैं और इस ब्लॉग को अब करते हैं यहीं पे एंड लेते हैं। आपसे विदा, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। और आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।